जसमीत जी आपका स्वागत है सर। हेलो एवरीवन। जसमीत जी, किस तरह के बदलाव इस बार हुए हैं, आप उन बदलावों को एक्सप्लेन करिए सबसे पहले, फिर उसके बाद उन पर हम बात करेंगे। चार मेजर चेंजेस कनाडा लेके आ रहा है विच विल बी इंप्लीमेंटेड सून। वन इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट वीजा अप्रूवल्स। सो दिस इज अ टू ईयर प्लान। सो दिस इज अ टू ईयर्स प्लान दैट देयर विल बी कैपिंग ऑन स्टूडेंट वीजाज इशूड एंड 364,000 visas will be issued all over the world in 2024, which is reduction of 35% from last year. पिछले साल 5 लाख के करीब visas issued हुए थे और इस साल 364,000 visas issue किए जाएंगे in 2024, and provinces में reduction की जाएगी, capping लगाई जाएगी, BC, British Columbia, Ontario and Nova Scotia में 50% या उससे ज्यादा की capping लगाई जा सकती है और किसी province पे कोई capping नहीं लगाई जाएगी। Second changes is कि all applicants must submit a verification letter from the province they are applying to under the official quota. So हर college को एक quota दिया जाएगा, like 200 seat, 400 seat, 500 seat, उस quota में से उस बच्चे को एक जैसे CAQ Montreal में होता है, वैसा ही हर province को एक CAQ type, उसको कहेंगे प्रोविंशियल अटेस्टेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। थर्ड, और जितने भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हैं, या जितने प्राइवेट कॉलेजेस टोरंटो में हैं जिनकी पब्लिक कॉलेजेस के साथ पार्टनरशिप है, 1 सितंबर के बाद किसी भी बच्चे को उसमें जो एनरोल होंगे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। Fourth and the most important one, कि spouse open work permit will be given only masters and PhD students. Okay, spouse open work permit अब सिर्फ masters और PhD students को मिलेगा, मतलब जो student वहां जाके पहले graduate होंगे उसके बाद अगर वो masters करते हैं तो वही अपने spouse को बुला सकेंगे। जसमीत जी, मुझे लगता है स्पाउस ओपन ऑलरेडी मास्टर्स की पढ़ाई करने गए हैं वो अपने स्पाउसेस को बुला सकेंगे, या फिर जो बच्चे जब पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम उनका स्पाउस नहीं ज्वाइन कर पाएगा, जब वो पढ़ाई खत्म करके वर्क परमिट पे आ जाएंगे तो उनका स्पाउस उन्हें ज्वाइन कर पाएगा। बट कोई भी चेंजेस इन द रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कोई आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ाई गई है, कोई भी चेंजेस अगर कहें तो वर्क परमिट में नहीं है। जैसे पहले कह रहा था कि कहा जा रहा था कि वर्क परमिट भी रिड्यूस किया जा रहा है, वो नहीं, वर्क परमिट रिड्यूस किया जा रहा। ठीक है, वर्क परमिट की कोई इसमें मेजर इशू नहीं है। जैसे आपने जसमीत जी कहा कि हर प्रोविंस से एक वेरिफिकेशन होगी, वो जरा अगर क्लियर कर दें आप, कैपिंग कैसे होगी, क्या अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग कॉलेजेस को सीट्स लिमिटेड की जाएंगी? यस, बिल्कुल बिल्कुल, हर कॉलेज की सीट्स लिमिटेड की जाएंगी। ओनली स्टूडेंट शुड, देखो अभी फ्यूचर व्हाट इज इन स्टोर फॉर फ्यूचर इन कनाडा। सो 364,000 वीजा अगर वो देंगे तो 50% अगर इंडिया है तो 180,000 वीजा इंडिया से दिया जाएगा। बट फ्यूचर ये है कि जो बच्चे स्किल ट्रेड्स में पढ़ने जाएंगे उनको बेनिफिट है, जॉब्स हैं उनके लिए। सो स्टूडेंट्स, फ्यूचर इज स्किल्स, ट्रेड्स, टेक्नोलॉजी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो बच्चे मिसयूज कर रहे थे कनाडा को कि हम यहाँ से वीजा लेके चले गए, वहाँ प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले ली, पढ़ने की जरूरत नहीं है, देवर मेकिंग मनी। सो मिनिस्टर इज रियली टफ ऑन दैट कि
students have come here and they are not studying and they are misusing the category of visa. See, we know students ki you want to make money, but 2 saal padhai karne ke baad aap paisa kamao jitna kamana hai aap kamao, but 2 year studies is essential aur future mein aapko ye padhai karni zaruri hogi aur main campus choose karne honge aapko, not the PPP campuses. Matlab they will not be able to get you work permit. So this is really, really a big change. We were not expecting. सर, इससे जैसे आपने शुरू में कहा कि टोरंटो में या जो बड़े प्रोविंस है वहां पर टोरंटो ब्रिटिश कोलंबिया नोवा स्कोशिया टोरंटो ब्रिटिश कोलंबिया एंड दूसरा कौन सा बोला आपने नोवा स्कोशिया नोवा स्कोशिया इनमें क्या इनमें क्या मेजर चेंज किया है रिडक्शन ऑफ अप टू 50-60% ऑफ स्टूडेंट्स अच्छा मतलब टोरंटो में ब्रिटिश कोलंबिया में और नोवा स्कोशिया में 50-60% स्टूडेंट्स अब कब जाएंगे कम वीजा दिया जाएगा हाँ जी हाँ जी तो ऐसे में कौन से प्रोविंस हैं जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अच्छे हो सकते हैं सो अल्बर्टा सस्कैचुअन न्यू ब्रुंसविक मॉन्ट्रियल क्यूबेक सो देयर आर सम लूज पॉइंट्स हियर कि कितनी सीट्स दी जाएंगी जो प्रोविंशियल अटेस्टेशन है बच्चे की वो कैसे की जाएगी या फिर ये जो अटेस्टेशन है ये आज से ही इम्प्लीमेंट हो जाएगी या कल से इम्प्लीमेंट होगी सो देर आर सम लूज एंड्स सो अगर तो कल से इम्प्लीमेंट नहीं होती है तो स्टूडेंट्स कैन लॉन्च देयर फाइल्स इमीजिएटली जिन स्टूडेंट्स की ऑफर लेटर्स आई हुई हैं उनको इमीजिएटली अपनी फाइल्स पे काम करना चाहिए सो जिन स्टूडेंट्स को अब स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल कल से सबमिट होगी कि नहीं होगी ये भी देखने को ज़रूर मिलेगा और डेफिनेटली आई थिंक इट इज़ नॉट वेरी मोटिवेटिंग न्यूज़ बिकॉज स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने स्पाउस को लेके जाना चाहते थे एंड उसके ऊपर बिल्कुल बहुत ही स्ट्रिक्ट न्यूज़ है जो आज अनाउंस हुई है कैनेडा से जी सो थैंक यू सो मच जसमीत जी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे साथ शेयर की तो ये बिल्कुल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है जो जसमीत जी ने हमारे साथ शेयर की है कब से ये रूल्स इम्प्लीमेंट होंगे आने वाले दिनों में इस पर पूरी क्लैरिटी आएगी जसमीत जी हमारे साथ भी शेयर करेंगे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करेंगे तो अभी के लिए मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम सब के सामने है कि क्या क्या मेजर चेंजेस कनाडा ने अनाउंस किए हैं सर ये किस तरह से उन्होंने अनाउंस किया है क्या कोई ट्वीट किया है या उनके मिनिस्टर की स्टेटमेंट है अगर आप बता सके तो नो देयर इज अ इंटरव्यू दी है बीजी अभी इंटरव्यू है व्हिच इज लाइव ऑन यूट्यूब आल्सो स्टूडेंट्स कैन लिसन टू इंटरव्यू ऑफ मार्क मिलर ऑन यूट्यूब एंड The interview was telecasted on CTV. So, all the if you want the live broadcast of the interview, you can see it on the CTV. जी, so आपने interview से ये सारे points note किए हैं जसमीत जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल. See, we had this news because पहले भी हमारे पास ये news थी, but we did not wanted to discuss. So, जब तक कुछ confirmation नहीं हो जाती, so इंदर जी तो हम नहीं discuss करना चाहते कोई भी news. But we had this news before also because but still is right now is a big news that PPPs will not get work permit and spouse open work permit will not be able to go to Canada so this is something really really new thing सर एक बात जसमीत जी बताइए जैसे आपने कहा कि जो पब्लिक
पार्टनरशिप में जो कॉलेजेस हैं, इनका नंबर कितना है? ये 2-4-5 है या इन हंड्रेड्स हैं ये? सो पीपीपी में कम से कम नहीं तो 17-18 कॉलेज हैं जी, 17-18 कॉलेज हैं, और ये कॉलेजेस कम से कम नहीं तो दे वर टेकिंग अराउंड 60,000-80,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर जी। सो एक बड़ा नंबर था जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो कॉलेजेस थे जिसमें स्टूडेंट्स जाते थे। तो अभी ये तय नहीं है कि कौन से इनटेक से ये रूल्स इंप्लीमेंट होंगे, तो अभी के लिए इमीडिएटली ये रूल्स इंप्लीमेंट होंगे, इमीडिएट इफेक्ट से रूल इंप्लीमेंट होंगे। बट अभी वेबसाइट कल अपडेट होगी कि नहीं होगी, कॉलेजेस विल बी एबल टू इशू ऑफर लेटर्स और नॉट, सो दिस इज अ रियली रियली बिग कंफ्यूजन राइट नाउ। बिल्कुल। सो मेरा ये मानना है कि मुझे लगता है कि अगर कनाडा इसको अपडेट इनको इम्प्लीमेंट करेगा सर, उससे पहले कोई ना कोई नोटिफिकेशन करेगा या वो ट्वीट करेगा या वेबसाइट्स पे जो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उन पर भी इनकी डिटेल मुझे लगता है आएगी, क्योंकि अभी इंटरव्यू के बेस पे ही सारा ये पूरा इंफॉर्मेशन है, डिस्कशन में है। सो थैंक यू सो मच जसमीत जी। सो इसमें अगर अभी और क्लैरिटी आएगी इस सारी इंफॉर्मेशन में आने वाले दिनों में, तो स्टूडेंट्स के साथ कल का जो लाइव अनाउंस्ड टुडे एंड इट इज वेरी वेरी क्लियर, इट इज अनाउंस्ड बाय द इमिग्रेशन मिनिस्टर ऑफ कनाडा एंड इट इज वेरी वेरी क्लियर जी। तो जसमीत जी के मुताबिक, क्योंकि इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कहा है तो ये इमीडिएट इफेक्ट में आएगी। सो थैंक यू सो मच जसमीत जी, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि अब जो स्टूडेंट बिल्कुल स्टडी करने के इरादे से अपनी एजुकेशन को प्लान कर रहे हैं इंडिया में, उनके लिए ऑप्शंस और अच्छी हो जाएंगी। ऑप्शंस अभी भी बहुत हैं और हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल पढ़ने की तैयारी करके जाएं, और जैसे जसमीत जी कहते हैं जो कोर्सेज हैं, जो कोर्सेज तुरंत हमको जॉब्स की इंश्योरिटी दें, जो कोर्सेज जॉब ओरिएंटेड हों जैसे स्टेम कोर्सेज की जसमीत जी बात करते हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स उन्हीं कोर्सेज में फोकस करें। और थैंक यू सो मच जसमीत जी, एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी सर, इन तमाम रूल्स पे हम लगातार डिस्कशन करेंगे। और किसी स्टूडेंट्स को तुरंत, जैसे जसमीत जी ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके आप स्पाउस के लिए या दूसरी फाइल्स लॉन्च कर सकते हैं, तो 90413-90412 इस नंबर पे आप जसमीत जी से भी बात कर सकते हैं, अपनी फाइल लॉन्च करने के लिए बात कर सकते हैं, और क्लैरिटी जैसे जैसे आएगी इनमें हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।